दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियासत अली और अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखा, अगर नहीं देखा है तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। मैंने 70 mm का EDF के बारे में बताया, मोटर के बारे में बताया कि कितने इंच के प्रोपेलर में कितना KV का मोटर आप यूज़ कर सकते हैं, कितना एम्पेयर खाएगा, कितना थ्रस्ट बनाएगा। और अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों अपने 64 mm EDF के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये 64 mm का EDF है, 64 mm का EDF है तो काफ़ी अच्छा है। ये 12 ब्लेड का ये भी EDF है, बट 70 mm के मुकाबले ये थोड़ा कमज़ोर है, बट काफ़ी अच्छा है। तो 70 mm का EDF के बाद वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में बता दूँ दोस्तों, तो ये जो है वो ये 4 सेल सपोर्टेड नहीं है, ये 3 सेल सपोर्टेड मोटर है, काफ़ी अच्छा है। और इसके मोटर के साइज़ के बारे में बता दूँ दोस्तों, तो ये 4300 KV का मोटर है, ये काफ़ी अच्छा है। और इसके थ्रस्ट के बारे में बता दूँ दोस्तों, थ्रस्ट और एम्पियर के बारे में बता दूँ तो इसका जो थ्रस्ट है काफ़ी अच्छा बनाता है, लगभग 1250 ग्राम इसमें थ्रस्ट बनाता है। और इसके बारे में जो एम्पियर जो है दोस्तों, इसमें एम्पियर थोड़ा ज़्यादा खाता है, तो इसके एम्पियर के बारे में बता दूँ, लगभग ये 64 से 65 एम्पियर खा करके ये 1250 ग्राम थ्रस्ट बनाता है। तो इसके वेट के मुकाबले इसका वेट काफ़ी कम है, ये 183 ग्राम का है, ये 135 ग्राम का है, तो वेट काफ़ी कम है, लगभग 50 ग्राम वेट लगभग कम है, तो काफ़ी अच्छा है। अब इसे मैं चेक करके देखता हूँ दोस्तों। वैसे इसका प्लेन अभी तक मैंने एक भी नहीं बनाया है, इसका प्लेन बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, तो इसे मैं चेक करके देखता हूँ। मैं इसे खाली चेक कर रहा हूँ, ऐसे ही 3 सेल से चेक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ही थ्रोटल देने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा थ्रोटल दूंगा तो मेरा AC जो है वो ख़राब हो जाएगा। 40 एम्पीयर का AC है, BL हेली का, काफ़ी अच्छा है। वैसे इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, ये 2 सेल से 6 सेल सपोर्टेड AC है और 3 एम्पीयर 5 वोल्ट आउटपुट है इसका। तो मैं इसमें जो है देखता हूँ चेक करके इसका कि इसका साउंड कैसा है, और इसका साउंड उस EDF से 70 mm के EDF से काफ़ी बेहतर है। तो मैं इसे एक बार तो आपने इसका साउंड सुना, तो अब मैं इसे एक बार देखता हूँ, तो इसका आप देख सकते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस 70 mm से ज़्यादा थ्रस्ट जो है इसमें बनाता है, क्योंकि इसका जो ये 64 mm का जो है काफ़ी अच्छा थ्रस्ट बनाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। बट एम्पियर जो है काफ़ी खाता है, और मैंने इसका प्लेन अभी तक इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास बैटरी जो है इसमें यूज़ करने के लिए नहीं है। मेरे पास जितने भी बैटरी है 11.1 वोल्ट 52 mA का तो है, बट इसका जो सी रेटिंग है दोस्तों वो काफ़ी कम है, 30C रेटिंग का है, तो 30C रेटिंग का जो बैटरी है वो इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें यूज़ करने के लिए कम से कम 80 से 120C का रेटिंग जो होता है वो चाहिए, नहीं तो बैटरी जो है इसमें अगर मैं यूज़ करूँ तो ये जो है ये तुरंत ऑन कर देगा, लगभग 1 मिनट भी नहीं चलेगा, बैटरी हीट हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। तो मैं बैटरी के वजह से ही रुका हुआ हूँ, आजकल चाइना से सामान नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, मैंने इसे मंगवाया था, काफ़ी अच्छा। मैं इसमें बहुत जल्द इसका जो प्लेन है बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। और मैं बात करूँ दोस्तों इसके बारे में, तो इसका जो मोटर का क्वालिटी है, मैग्नेट क्वालिटी जो है काफ़ी बेहतर है, आप देख सकते हैं। और ये 9 स्लॉट का मोटर है, इसका जो प्रोपेलर है इसके हिसाब से इसका प्रोपेलर थोड़ा वीक है, बट थ्रस्ट जो है काफ़ी बेहतर बनाता है। दोनों का साइज़ से देख सकते हैं, दोनों के साइज़ में आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है इसका जो कवर है काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, इसका जो है ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का। आप इसका जो मोटाई देख सकते हैं इसका, ये लगभग 1.5 mm का इसका जो साइज़ है बॉडी का, और इसके बॉडी का जो साइज़ है वो लगभग 1 mm का बॉडी के साइज़ है। और इसके मुकाबले इसका जो मोटर है वो अंदर के साइड में है, इसमें जो है वो कोई टेंशन नहीं है कि तार फंस जाए या वगैरह वगैरह, बट इसमें है, इसमें अगर हम RC प्लेन बनाते हैं तो काफ़ी मुझे चेतावनी बरतते हुए बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये तार जो है अगर इसमें सट जाए तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और कोई भी तार है, कोई कुछ भी सामान है तो ये मतलब काफ़ी
मुझे सावधानी बरत के इस पर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार आरसी प्लेन बना रहे हो तो मैं बता दूं कि आप ईडीएफ को चूज ना करें, क्योंकि ईडीएफ में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर एक बार प्लेन क्रेश कर गया तो ईडीएफ टूट जाएगी, तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो ईडीएफ है, वैसे इसके बारे में मैं और ख़ास एक बात बता दूँ कि इसे मैंने बहुत कम में बाई किया था। इसे मैंने 1,050 रुपये में बाई किया था, 1,050 रुपये में बाई किया था। वो पता नहीं ऑफ़र था या क्या था, या गलती से डाल दिया था, मुझे खुद भी समझ नहीं आया। मैंने बाई कर लिया, मुझे बाद में लग रहा था कि पता नहीं ईडीएफ आएगा या नहीं आएगा या कुछ और सामान आ जाएगा। मैंने इसे अमेजोन से बाई किया था। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। 1,050 रुपये मैंने इसे बाई किया था, मैंने 2 पीस बाई किया था। तो जब मेरे दोस्त ने इसे जाकर कुरियर ऑफिस से लिया था तो मैंने उससे फ़ोन करके बोला था कि भाई देख लेना, कुछ और सामान होगा तो मत लेना। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बड़ा सा कार्टून है, मैंने देख लिया है। और जब उन्होंने खोला तो मुझसे फ़ोन करके कहा, उन्होंने मजाक किया कि भाई इसमें तो एक ही पीस ईडीएफ है, 2 पीस है ही नहीं। तो मुझे लगा पता नहीं क्या। तो मैंने जब गया तो उन्होंने, वो पूरा हंस रहा था मेरे ऊपर। तो जब मैंने देखा तो देखा मैंने 2 पीस है। तो मैंने, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें इतनी सस्ते में कैसे मिल गया, क्योंकि इसका जो मोटर होता है, सिर्फ मोटर का ही आपको लग जाता है लगभग 2,200 रुपये। तो मुझे 1,050 रुपये में एक ईडीएफ यूनिट काफ़ी सस्ते में मिल गया। तो चलिए दोस्तों, इसका जो ईडीएफ का जो आरसी प्लेन है वो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताएं। और किसी तरह की जानकारी चाहिए दोस्तों तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।